तो आज हम आज फिर से आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूँ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अपडेट। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट अपडेट शो नंबर 28। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको काफ़ी सारे अपडेट देने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर IBB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से अपडेट आ रही है, यहाँ पर SBI बैंक की ओर से अपडेट आ रही हैं, फ़ोनपे की ओर से अपडेट आ रही है, और भी काफ़ी सारी अपडेट आपके लिए काफ़ी खास आ रही हैं। तो अगर आप इन अपडेट के बारे में जानेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप ऑफ़र के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे रहेंगे। आपसे कोई अगर पूछ लेता है तो आप उसका जवाब जल्दी से दे देंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपको सारे अपडेट मिल सकें। और इससे पहले मैंने एक वीडियो शूट किया है, जैसे कि Paytm का मैंने ऑफ़र बताया है, 50 रुपीज़ वाला काफ़ी बड़ा लूट ऑफ़र है। तो अगर आपने वो वीडियो जाकर नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में एंड वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप जाकर जल्दी से देख लीजिए। वो वीडियो मैंने आज ही शूट किया है और मैंने डाल दिया, ये वीडियो मैं दूसरे दिन डाल रहा हूँ। तो आप जाकर वो वीडियो ज़रूर वॉच करना, आप अपना काफ़ी फ़ायदा कर लेना, जैसे कि मैंने उसमें आपको काफ़ी बड़ा लूट ऑफर बताया है। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं सबसे पहले आपको ऑफर एंड डील्स के बारे में अपडेट देता हूँ। तो आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी लूट डील मिस ना हो पाए। अब मैं बाकी अपडेट के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छी अपडेट आ रही है, जो पहली अपडेट आ रही है वो आ रही है फ़ोनपे की ओर से। फ़ोनपे ने 2021 में पूरी तरह से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में लीड कर लिया है। फ़ोनपे का मार्केट शेयर 41% हो गया है और फ़ोनपे पूरी तरह से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को लीड कर रहा है। फ़ोनपे नंबर 1 हो चुका है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने में। तो अगर आप भी फ़ोनपे यूज़ करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ़ोनपे नंबर 1 हो चुका है और दूसरे नंबर पर आता है गूगल पे और तीसरे नंबर पर आता है हमारा प्यारा दुलारा Paytm। हालांकि मैं तो पर्सनली Paytm यूज़ करता हूँ, आप कौन से आप यूज़ करते हैं आप हमें उसके बारे में वीडियो के नीचे कमेंट कर बताइए ताकि मुझे पता चले। दूसरी अपडेट आ रही है वो भी आ रही है फ़ोनपे की ओर से। फ़ोनपे ने एक और बैंक से बात कर लिया है और पार्टनरशिप कर ली। जैसे कि जो पहले फ़ोनपे की जो बात चलती थी वो थी यस बैंक से, जब यस बैंक पर RBI ने एक नया रूल थोपा था तब फ़ोनपे कस्टमर को काफ़ी दिक्कत आई थी। फिलहाल अब फ़ोनपे ने एक्सिस बैंक से पार्टनरशिप कर लिया है, हाथ मिला लिया है। तो अभी आपको एक्सिस बैंक का UPI बनाने को मिल जाएगा। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको फ़ोनपे में एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेट वाला, तो आप वहाँ से जाकर एक्टिवेट कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपके जो पेमेंट प्रोसेसिंग में जाती है उसके चांस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो ये फ़ोनपे ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि फ़ोनपे लीड कर रहा है। अगर फ़ोनपे ऐसे कदम नहीं उठाएगा तो फ़ोनपे काफ़ी पीछे रह जाएगा। हमें बात करता तीसरी अपडेट के बारे में, जो तीसरी अपडेट आ रही है वो आ रही है SBI की ओर से। SBI ने एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है, SBI QR कोड स्कैन पेमेंट। दोस्तों ये ऑप्शन ऑनलाइन आया है योनो पे लाइट ऐप में। अभी तक योनो पे के जो बड़ा वाला ऐप है ऑनलाइन योनो पे उसमें नहीं आया है, जो योनो पे लाइट है उस पर ये फीचर आ चुका है। आपको करना है कि आपको किसी भी नज़दीक की SBI के ATM में जाना है, उसमें अगर योनो एक्सेप्ट होता है तो आपको योनो पर क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे से आएगा QR कोड पेमेंट, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको योनो पे लाइट ऐप में एक ऑप्शन दिखाई देगा QR कोड पेमेंट वाला। आप जैसे स्कैन करेंगे तो आगे से आ जाएगा 2000 या 4000, आपको कितना निकालना है। आप एक बार में 2000 या 4000 निकाल सकते हैं, आप इससे ना ही कम निकाल सकते हैं ना आप इससे ज़्यादा निकाल सकते हैं, 2000 या 4000 आप निकाल सकते हैं। अगर आप 2000 या 4000 निकालना चाहते हैं तो आप ATM के बिना भी निकाल सकते हैं योनो SBI लाइट में। और साथ में SBI ने ये भी बताया है कि ये फीचर जल्दी SBI योनो पे में भी आ जाएगा। अब फिलहाल लाइट में है और जल्दी ये योनो पे में भी आ जाएगा। तो अगर आप इस फीचर के बारे में सुनकर ही काफ़ी खुश हुए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपकी क्या राय इस फीचर के बारे में, आप हमें इसके बारे में वीडियो नीचे कमेंट कर बताइए। अच्छी बात यह है कि इस फीचर को अगर आप यूज़ करेंगे ना ही आपसे OTP पूछा जाएगा ना ही आपसे कोई पिन पूछा जाएगा। हमें बात अगली अपडेट के बारे में, जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से। फिलहाल जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मैं इस पर एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका कैसे UPI बना सकते हैं। फिलहाल अभी मैंने वो वीडियो कैंसिल कर दिया है, मैंने वो वीडियो इसलिए नहीं लाया है क्योंकि इस बैंक को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको लग सकते हैं काफ़ी चार्ज। पर्सनली मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने 15,000 रुपीस इस बैंक अकाउंट में रखा तो मेरा SMS क्वार्टर का बार बार चार्जेस काटा गया, कभी 8 रुपीज़, कभी 6 रुपीज़, कभी 7 रुपीज़, कभी 12 रुपीज़।
तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इंडिया पोस्ट पेड बैंक यूज़ कीजिए। अगर आपको ज़्यादा मजबूरी है, आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसमें SMS अलर्ट रिमूव करने वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो नहीं लाई है, ना ही मैं लाने वाला हूँ। फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा आपको SMS अलर्ट चार्ज लगाने वाला है अगर आप यूज़ करेंगे। अब मैं बात करता हूँ अगली अपडेट के बारे में। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है पेपल की ओर से। पेपल अपनी सर्विस इंडिया में पूरी तरह से शट डाउन करने वाला है। अब आखिर ऐसा क्या हुआ दोस्तों, मुझे भी नहीं पता है। हालांकि जहां तक हमें पता चल रहा है, बात ये कि जैसे कि पैंडमिक जैसे कि चल रहा है COVID-19, तो ऐसे में काफ़ी दिक्कत पेपल को देखने को मिली है। जैसे कि जो पेपल का ज़्यादातर यूज़ होता है वो होता है ट्रैवल टिकट बुक करने के लिए, जैसे गो वीवो मेक माई ट्रिप क्लियर ट्रिप वगैरह ज़्यादातर पेपल को यूज़ करती है। काफ़ी लोग पेपल से वहाँ पर पेमेंट करते हैं, तो अभी वो सर्विस तो पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है, काफ़ी कम हुई है, काफ़ी लोग अभी कम ट्रैवल में जा रहे हैं, तो इसमें पेपल को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए पेपल अपनी सर्विस पूरी तरह से शट डाउन करने जा रहा है ओनली इंडिया में। बाकी डोमेस्टिक तो चलने वाला है, लेकिन इंडिया में ओनली बंद होने वाला है और ये 31 मार्च को बंद हो जाएगा। फिलहाल अगर इस पर कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए अपडेट ये आ रही है कि पेपल 31 मार्च को पूरी तरह से बंद होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ अगली अपडेट के बारे में। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है वोडाफोन आइडिया जैसे कि VI की ओर से और एयरटेल की ओर से। दोस्तों इन दोनों कंपनियों ने काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया है। डिसीजन ये लिया है कि ये जल्दी अपनी 2G और 3G सर्विस पूरे इंडिया में बंद करने वाले हैं। जैसा कि हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन मिली है कि VI जैसे कि वोडाफोन और आइडिया ये अपनी 2G और 3G सर्विस पूरी तरह से ही पूरे इंडिया में जल्दी बंद करने वाली है। फिलहाल अभी शुरुआत कर दी है कर्नाटका से और कुछ स्टेट से, जल्दी ये पूरे इंडिया में हो जाएगा। पूरे इंडिया में VI वोडाफोन और आइडिया की 2G और 3G सर्विस बंद हो जाएगी। अगर आपके पास कीपैड वाला फ़ोन है 2G वाला तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात होने वाली है। और अगर आप एयरटेल का सिम यूज़ करते हैं तो इसकी 3G सर्विस पूरी तरह से बंद होने वाली है। फिलहाल 2G सर्विस अभी भी इसकी वर्क करेगी, इसके बारे में कोई भी एयरटेल ने अपडेट नहीं दिया। मैं बात करता हूँ अगली अपडेट के बारे में। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है IRCTC की ओर से। जैसे कि IRCTC में आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, ये ट्रेन के लिए ही माना जाता है। फिलहाल अभी IRCTC से जाकर आप बस की टिकट बुक कर सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया बात है। ये IRCTC ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अभी फिलहाल आप वेबसाइट में ओनली ऑन बस की टिकट बुक कर सकते हैं, आगे आने वाले कुछ मंथ के बाद आप IRCTC की ऐप से भी बस की टिकट बुक कर सकेंगे। अगर आप IRCTC यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़िया ऑप्शन मिलने वाला है। तो आज के लिए इतनी अपडेट थी जो मैंने आपको बतानी थी, मैंने सारे के सारे अपडेट आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अपडेट लाता रहता हूँ। फिलहाल मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, इसलिए आपको मेरी आवाज़ भी पूरी तरह से बदली हुई सुनाई दे रही होगी।